डीसी की मूवी देखनी है पर समझ नहीं आ रहा किस ऑर्डर में देखें, मैं बताती हूँ। फर्स्ट नंबर पे है मैन ऑफ स्टील जो कि 2013 में आई थी। सेकंड नंबर पे है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस जो कि 2016 में आई थी। तीसरे नंबर पे है सुसाइड स्क्वाड जो कि 2016 में आई थी। फोर्थ नंबर पे है वंडर वुमन जो कि 2017 में आई थी और वंडर वुमन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिफ्थ नंबर पे आई थी जस्टिस लीग 2017 में आई थी। सिक्स नंबर पे है एक्वामैन जो कि 2018 में आई थी। सेवन नंबर पे है सजैम जो कि 2019 में आई थी और यार ये मेरी फेवरेट मूवी है, मुझे इसके सारे कैरेक्टर्स पसंद हैं। एट नंबर पे है जोकर 2019 में आई थी। नाइन्थ नंबर पे है बर्ड्स ऑफ प्रे 2020 में आई थी। टेंथ नंबर पे है वंडर वुमन 1984 जो कि 2020 में आई थी। फिर आती है जैक स्नाइडर जस्टिस लीग जो कि 2021 में आई थी। इलेवेंथ नंबर पे है सुसाइड स्क्वाड जो कि 2021 में आई थी। ट्वेल्थ नंबर पे है द बैटमैन जो कि 2022 में आई थी और यार ये मूवी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम डार्क एक्शन से भरी हुई मज़ेदार। 13 नंबर पे ब्लैक एडम जो कि 2022 में आई थी और ये भी मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने इसका रिव्यू भी बनाया था। अब देखें इस साल यानी 2023 में डीसी की कौन कौन सी मूवीज आने वाली हैं। सबसे पहले आती है शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स जो कि 17 मार्च को आएगी और आज उसका ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है। मुझे ऐसा फील हुआ इस ट्रेलर में कुछ ज़्यादा ही बता दिया, इतना दिखाना नहीं चाहिए था। और फिर इस साल आएगी द फ्लैश जून 23 को, फिर आएगी ब्लू बीटल 18 अगस्त को जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, फिर आएगी एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम इस साल के एंड में यानी 25 दिसंबर को। तो ये था आज के वीडियो में, आप चाहें तो हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, कुछ थॉट्स हों तो कमेंट भी कर सकते हैं, इस वीडियो को आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं और बाकी सब लोगों की तरह आप हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड पीस आउट।